साहब फेंडर को फॉलो कीजिएगा, यहाँ पे डैमेज है देखिए। तो अभी इस डैमेज को हम लोग कम्प्लीट करेंगे। तो देखिए डेंट हो रहा है सबसे पहले, तो डेंडिंग कैसा होता है वो पहले देखिए। देखिए डेंडिंग करके हमने इसको ठीक किया है, देखिए। तो फाइल से डेंडिंग हो रहा है, इसमें हम लोगों को डेंट पुलर नहीं चाहिए। फेंडर में डेंट पुलर ज़्यादा यूज नहीं करते हैं हम लोग, तो फेंडर में हम लोग ज़्यादातर फाइल से ही डेंडिंग करता है। देखिए तो अभी कलर सैंडिंग हो रहा है, देखिए जहाँ पे डेंट किया है उस कलर को पूरा सैंडिंग करके पूरा क्लीन करना पड़ेगा। देखिए पूरा स्टील निकल गया, अभी पूरा प्रोसेस आप लोगों को दिखाएंगे इसमें। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो देखिए फॉलो कीजिए। तो अच्छा से देखिए जहाँ पे डेंट है वहाँ पे हम लोग डेंट कर रहा है। तो डेंट कंप्लीट है, अभी देखिए फेदरिंग कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे पुट्टी लगाएंगे कि डेंट अच्छा हुआ तो ज़्यादा पुट्टी नहीं खाएगा। तो फेदरिंग जो हो रहा है, तो देखिए सबसे पहले येलो कलर है उसको बोलते हैं हम लोग इडीगोट। तो इडीगोट को 8 mm करना पड़ेगा। तो उसके ऊपर जो ग्रे कलर का कलर देख रहे हैं आप लोग तो वो है पाइमर। तो पाइमर को भी 8 mm, उसके बाद है क्लियर तो उसको भी 8 mm करके सेंडिंग कीजिए। देखिए तो पुट्टी लगा रहे हैं हम लोग। सबसे पहले फास्ट कट पुट्टी जो है दबा के लगाना पड़ेगा। देखिए फास्ट कट पुट्टी, फर्स्ट टाइम जो पुट्टी है दबा के लगाइए। तो आप लोग पुट्टी मेकअप का प्रोसेस देखिए, 2-3 टर्न में मेकअप कर देंगे हम लोग। तो देखिए अच्छे से फॉलो कीजिए, एकदम नया जैसे बना देंगे। तो जो जो प्रोसेस है इसमें हर प्रोसेस आप लोगों को देखेंगे आप लोग अच्छे से, आप लोग से देखिए फॉलो कीजिए। तो देखिए पुट्टी मेकअप का पूरा प्रोसेस इसमें है। तो प्लास्टिक फाइबर से आप लोगों का पुट्टी जल्दी मेकअप हो जाता है। तो देखिए फेंडर, तो अभी और एक टाइम प्लास्टिक फाइबर से देंगे तो फुल मेकअप हो जाएगा। देखिए तो अभी पेटी हम लोगों का मेकअप है कंप्लीट। तो अभी होगा सैंडिंग। तो सबसे पहले हम लोग सैंडिंग करेंगे 120 से। तो देखिए 120 से सैंडिंग कर रहे हैं हम लोग। तो सैंडिंग अच्छा से करना पड़ेगा आप लोगों को। सैंडिंग जितना अच्छा होगा आप लोगों का फिनिशिंग भी उतना अच्छा बढ़िया होगा। देखिए तो सैंडिंग की देखिए आप लोग अच्छे से और फॉलो कीजिए। तो देखिए 120 से सेंडिंग किया है फाइल पेपर है, 120 फाइल पेपर। तो अभी करेंगे 180 फाइल पेपर। देखिए 180 फाइल पेपर से सेंडिंग करेंगे। जैसा करके मैंने सेंडिंग किया है तो आप लोग भी कीजिए, कम टाइम में आप लोगों का सेंडिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए 180 से फिनिशिंग देंगे अभी। देखिए ए है 320। देखिए अभी मास्किंग टेप जो है उसके लिए मास्किंग टेप डालने से क्या होता है आप लोगों का लाइन क्रॉस अच्छा से निकल जाएगा। देखिए नीचे का कंप्लीट हो गया, अभी ऊपर का 180 फिर 320 बनेंगे। मास्किंग टेप से आप लोगों का लाइन क्रॉस एकदम बराबर नया जैसा चला आएगा। ठीक है, आप लोग एक बार करके देखिए काम, बहुत ही अच्छा और बढ़िया होगा। तो देखिए एक एक स्टेप बाय स्टेप काज आप लोगों को दिखाएंगे, आप लोग शुरू फॉलो कीजिए। तो देखिए कितना अच्छा से लाइन कट निकल रहा है। तो देखिए फॉलो कीजिएगा एक बार, हर प्रोसेस इसमें है, आप लोग शुरू देखिए। तो देखिए यार फॉलो कीजिए, अभी 320 से हम लोग फाइनल फिनिशिंग दे देंगे। देखिए तो 320 से फाइनल फिनिशिंग दे दिया है, अभी मास्किंग टेप हटा दिया। देखिए देखिए इसका लाइन क्रॉस कितना अच्छा से चला है, देखिए नया जैसा। तो अभी क्या है उसका जो लाइन है और भी अच्छा से कर दिया आपने, देखिए एकदम सेम टू सेम मिल जाएगा अभी लाइन, मेरा लाइन कंप्लीट है। तो जो जो प्रोसेस से मैंने किया है सैंडिंग, सेम प्रोसेस से आप लोग सैंडिंग कीजिए, फिर हमको कमेंट में बोलिए कैसा हुआ। तो देखिए अभी फेदरिंग कर रहा है, क्योंकि पाइमा करेंगे थोड़ा बड़ा के फेदरिंग कीजिएगा,
30 से। तो इसका आप पुट्टी का जो फिनिशिंग है देखिए आप लोग, एकदम नया जैसा हुआ है। तो आप लोग भी एक बार काम करके देखिए, जे मेरा प्रोसेस अप्लाई करके देखिए आप लोग, आप लोगों का काम कैसा होता है एक बार करके देखिए। तो अभी देखिए मास्किंग हो रहा है, इसको बोलते हैं रिवर्स मास्किंग। ऐसा करके देख के फिर पेपर को उल्टा दीजिए, देखिए इसको बोलते हैं रिवर्स मास्किंग। इससे क्या होता है, पाइमर का जो लाइनर मुख वो नहीं बनता है, वो पाइमर जब सेंडिंग करेंगे तो जल्दी मिल जाएगा। तो देखिए फॉलो कीजिए, तो टेपिंग कैसा होता है वो देखिए आप लोग। मैं इसको बोल रहे हैं बाउंड ऑन पेपर, बाउंड रोल। तो अभी प्राइमर मार रहा है, देखिए प्राइमर 2 कोट चाहिए, ज़्यादा नहीं, 5 कोट हो गया है। फिर 1 कोट अप्लाई करेंगे हम लोग, बस फाइनल लोग कम्प्लीट है। तो अभी होगा सैंडिंग, तो प्राइमर को देखिए सैंडिंग कर रहा है हम लोग 400 नंबर गोल्ड डिस्क पेपर से प्राइमर को। प्राइमर सैंडिंग कर देंगे अभी। तो मेरा कंप्लीट है, अभी होगा मास्किंग। तो मास्किंग का जो प्रोसेस है आप लोग देखिए, 3M का मास्किंग टेप मेरा पास, हर जगह में मास्किंग कंप्लीट कर रहा है हम लोग, देखिए फॉलो कीजिए एक बार। जो जो प्रोसेस है एक बार सेम प्रोसेस पे आप लोग मास्किंग टेप यूज़ कीजिए। मास्किंग आप लोगों को अच्छे से करना पड़ेगा, कोई जगह पे कलर लगना नहीं चाहिए। तो इसको बोलता है OPS रूल, OPS रूल से पूरा गाड़ी को कवर कर देंगे। इससे क्या होता है, जो एरिया में कलर होगा उस एरिया को हम लोग कटिंग करेंगे, देखिए उस एरिया को कटिंग कर लिया हमने। तो देखिए सेम प्रोसेस में, और बाकी जो बाहर का एरिया है उसमें मास्किंग टेप हम लोग एप्लीकेशन कर देंगे, देखिए मास्किंग टेप देखिए अच्छे से फिनिशिंग दे दीजिए। ऊपर से क्या होता है, जो बाहर का इलाका है उसमें प्लास्टिक से पूरा कवर हो जाएगा, तो उस पर कोई राब कुछ नहीं आएगा। तो जो जैसे करके मैंने मास्किंग का प्रोसेस किया है, आप लोग भी सेम प्रोसेस से मास्किंग करिए, फिर आपका फिनिशिंग देखिए कैसे हुआ, वो कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा आप लोग। तो देखिए मेरा मास्किंग टेप कम्प्लीट है, तो चलिए अभी क्या करेंगे हम लोग इसमें, अभी पहले हम लोग ड्रिलिंग करेंगे, 16 पीस से क्लीन करेंगे। देखिए 16 पीस से क्लीन करने के बाद आप लोगों का कोई दागी दुगी जो है वो सब आप लोगों को दिखाई देगा अच्छा से, देखिए देखिए जिस जो जगह में दागी है सब दिखाई दे रहा है हमको, जहाँ भी जहाँ पे दागी है सब दिखाई देगा अभी। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, अपने रफ थ्रू पाइमर लगाएंगे, जहाँ पे स्टील निकल गया पाइमर निकल गया, देखिए रफ थ्रू पाइमर, तो ये हो गया रफ थ्रू पाइमर। देखिए रफ थ्रू पाइमर, तो रफ थ्रू पाइमर हो गया मेरा। इसको सूखने दीजिए, सूखने के बाद हम लोग अभी कलर एप्लीकेशन करेंगे। तो ये है अरुणा सिल्वर कलर, तो कलर का मारने का पूरा प्रोसेस आप लोग देखिए अभी अच्छे से फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग जिस एरिया में पाइमर है उस एरिया को कवर करेंगे, देखिए सबसे पहले जिस एरिया में ट्रैक्टर से क्लीन कर लीजिएगा आप लोग अच्छे से, ट्रैक्टर जो है उसको आप लोग अच्छे से क्लीन कर लीजिए। तो अभी देखिए अभी इसको ड्राइव ले दीजिए, फिर इसके बाद और एक कोट मारेंगे आप लोग, ड्राइव ले दीजिए अभी और एक कोट एप्लीकेशन करेंगे हम लोग। तो देखिए फॉलो कीजिए, तो फिर इसको ड्राइव होने दीजिए, ड्राइव होने के बाद कंट्रोल कोट मारेंगे। मेरा ड्राइव इसमें भी कंप्लीट है, तो अभी मारेंगे कंट्रोल कोट। कंट्रोल कोट क्या होता है, पेशा सुबह हल्का करके शुरू एक रफ जैसे मारता है ना ऐसा मार दीजिए, बस हल्का सा, बस ये कंप्लीट है।
तब इसका ड्राई होने दीजिए 5 से 10 मिनट, और उसके बाद क्लियर एप्लीकेशन करेंगे अभी हम लोग। तो क्लियर एप्लीकेशन करेंगे अभी, तो देखिए क्लियर मारेंगे। क्लियर मारने के बाद गाड़ी कैसा होता है वो आप लोगों को दिखाएंगे, अच्छे से फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले साइड में क्लियर मारिए, फिर एक हाफ कोर्ट मार दीजिए। देखिए तो अभी क्या हुआ, अभी ड्राइव लीजिए और एक मारेंगे। देखिए हो गया। तो अभी देखिए आप लोगों को मेकअप हुआ कि नहीं, कुछ जगह में चाहिए तो और एक मार सकते हैं आप लोग। पहले हल्का मार दिया, और फिर चाहिए तो हल्का सा मार दिया हम लोग। देखिए तो मेरा पूरा काज कंप्लीट फाइनल है, ओके एकदम। देखिए नया जैसा हो गया है एकदम, प्लीजिंग देखिए एकदम नया जैसा है। जो जो प्रोसेस से मैंने काम किया है, तो देखिए कलर मैचिंग भी देखिए कितना अच्छा सा बढ़िया हुआ है। तो आप लोगों को मेरा काम का प्रोसेस कलर मैचिंग कैसा लगा वो कमेंट में बताइए। तो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।